ऑल आईज ऑन राफा, पिछले कुछ दिनों से अपने अपने सोशल मीडिया पे ये लाइन ज्यादा सुनाई होगा, ये लाइन आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ये ऑल आईज ऑन राफा है क्या? एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसके मदद से विश्व भर के लोगों का ध्यान इसराइल द्वारा किए गए गाजा पर अटैक के ऊपर केंद्रित करना है। पर ये राफा क्या है? राफा गाजा का एक बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है जहाँ पे 14 लाख शेल्टरलेस लोग आके बसे हैं। इसराइल ने जब राफा पर अटैक किया तब वहाँ के दो मिलिट्रीज की जान तो गई, उसके साथ लगभग 50 शेल्टरलेस डिफेंसलेस लोगों की जान गई। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको एक ट्रेजिक मिस्टेक कहा है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का वादा दिया है। तो लोग अभी से वॉर नहीं जेनोसाइड कहते हैं। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ है। भारत ने यूएन पे इन दोनों को शांति का मार्ग चुनने को कहा, पर इसराइली पीएम इसके साथ मुखातिब नहीं है। वो गाजा को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और उनके हिसाब से ये वॉर अगेंस्ट टेरर है, वॉर अगेंस्ट टेरर। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यूएन भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन दोनों पे वॉर क्राइम्स आरोप किया है, पर वॉर क्राइम्स आरोप करने के लिए इनको चाहिए अरेस्ट वारंट। पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर्स निकलना इतने इजी नहीं है। इस स्लोगन के मदद से पूरे विश्व भर के लोगों का ध्यान राफा के लोगों पर केंद्रित करने पे मदद करेगा। अभी आपको एक काम करना है, ये न्यूज आपके हर एक दोस्त, आपके हर एक जाने माने रिश्तेदार के पास पहुंचाना है और कमेंट में ज़रूर बताना आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।